सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो गाइस। सो बेसिकली गाइस, हम बात करने वाले वीडियो पे आपको अपने फोन से लाइव स्ट्रीम कैसे करना है। जी गाइस, अपने फोन से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस, यहाँ मैं आपको एक ऐप बताऊंगा, अगर आपको वो ऐप यूज़ नहीं करना, आपको अपने खुद का ऐप यूज़ करना जो आपको पसंद हो, तो ये वीडियो दोनों के लिए जरूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो वीडियो का रेजोल्यूशन होता है, बिटरेट होता है, मैं आपको बेसिक सेटिंग बताऊंगा यहाँ पे, जिससे आपका गेम बिल्कुल भी लैग ना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप उससे पहले चैनल पर नए हो तो मैं सो चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पे वीडियो को एक लाइक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना, ताकि वो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे यहाँ पे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फोन के स्क्रीन पे आना है। स्क्रीन पे आने बाद यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे ओपन करना है, और यहाँ पे आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उस ऐप का यहाँ पर नाम होने वाला स्ट्रीम लैब, आप देख सकते हो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा वहाँ पे, स्ट्रीम लैब करके एक ऐप होगा। और मैं आपको यही ऐप रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम के लिए बहुत बेस्ट ऐप है यहाँ पे, समझे गया। तो इसको आप सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा ऐप देख सो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है फाइनली, इसको ओपन कर लेते। इसको ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, और देखो यहाँ पे बोल रहा होगा बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ रहा होगा, ठीक है। तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म में यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को सिंपली यहाँ पे यूट्यूब पे करना है, तो YouTube पे टाइप करना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ईमेल बोलेगा, तो जिस ईमेल से आपने YouTube क्रिएट किया है, फिर जो भी चीज क्रिएट किया, तो उस ईमेल को सेलेक्ट करके जो पासवर्ड है वो डाल देना है यहाँ पे, और उसके बाद इसको लॉगिन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद गाइस, जैसे यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा आपको, ठीक है। जैसे वेलकम लिखा आएगा, और फिर यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लिखेगा यहाँ पे, और यहाँ बोल रहेगा स्ट्रीम योर सेल्फ या फिर स्ट्रीम योर गेम, स्ट्रीम योर गेम पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको बोलेगा कैमरा अलाउ करने, और यहाँ पे जो आपका वॉइस है वो अलाउ करने बोलेगा, दोनों को आप अलाउ कर देना यहाँ पे। और यहाँ पे देख राइट में नेक्स्ट बटन दिख रहा, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे कुछ डोंट शो अगेन करके यहाँ पे स्टार्ट नाउ कर देना। इससे आपका लाइव स्ट्रीम अभी स्टार्ट नहीं होगा, अभी आपको यहाँ पे सेटअप करना, मेन सेटअप जो होता है यहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे। तो पहले तो आपको स्किप करना है इस चीज को, जैसे यहाँ राइट साइड में आपको स्किप करने का ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपली आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद ऊपर में आपको थ्री लाइन दिख रहा होगा, जैसे राइट साइड में ऊपर में थ्री लाइन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उस पर टैप करना, वही पे मेन सेटिंग है आपका, ठीक है। टैप करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बोल रहा नॉट प्लेटफॉर्म सेलेक्टेड, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया शायद, तो यहाँ पे ओके कर देना आपको सेलेक्ट करके यूट्यूब पे करके। उसके बाद फिर से आपको टॉप राइट में ऊपर में थ्री लाइन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना आपको, और यहाँ पर चार ही ऑप्शन हो रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, गो टू एडवांस सेटिंग क्लिक करना है, इससे आपका बहुत सारे सेटिंग खुल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू करना, और इसमें कितने सारे सेटिंग खुल गए यहाँ पे मेरे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है एडिटर वाला ऑप्शन, ठीक है। सिंपली आपको एडिटर पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अलर्ट बॉक्स करके, अब यहाँ पे आपको समझ जाओ कि आपका जो स्क्रीन है वो आपका रेडी है, अब यहाँ पे आपको सजाना कैसे करके, ठीक है। तो अलर्ट बॉक्स करके आ रहा हो, ठीक है। सिंपली आपको इधर ड्रैग करके साइड में आपको रख लेना, और आप सोच रहे हैं अलर्ट वैसे काम क्या है, तो इसका काम यही है कि आपको ये बताया कि ये कौन सब्सक्राइब कर रहा है, या फिर किसी ने आपको डोनेशन दिया, किसी ने आपको सुपर चैट किया, तो ये सब आपको अलर्ट बॉक्स में दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया अलर्ट वैसे काम, और लेयर्स में भी चलते हैं, और फिर से कोई लेयर यहाँ पे ऐड कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते फिर से लेयर्स में, और लेयर्स में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर में बोल रहा हूँ ऐड लेयर, सिंपली आपको टाइप करना है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होगा, आपको कैमरा ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे विड्ज ऐप ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों सबसे नीचे में आपको दिखेगा, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा होगा ऐड कस्टम आइटम, इसका मतलब अपने गैलरी में जो है उसको आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ बोल रहा हूँ अपलोड इमेज फ्रॉम डिवाइस, तो यहाँ पे सिंपली आप गैलरी में जाके जो भी आपका फोन पे वगैरह जो भी एक बनता ना, आप नीचे में लाइव स्ट्रीम के नीचे में लिखा होता अपना चैनल का नाम, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो यहाँ, ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्रीन लेयर की बात, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेन चीज की। तो यहाँ पे स्ट्रीम सेटिंग बोल रहा है, स्ट्रीमिंग सेटिंग, सिंपली आपको उस पर टाइप करना है। यहाँ पे जो ऑडियो सेटिंग है ये मेन है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड स्ट्रीट ऑडियो सबसे पहले इसको ऑन करना है। ये क्या है कि जो आपको बंदा आपका जो पब्लिक है वो आपका स्ट्रीम देखेगा, तो उसको लेफ्ट राइट में जो फुटस्टेप होते हैं उसके आवाज़ के लिए इसको ऑन करना पड़ेगा, तभी उनको जो क्लियरली समझ में आए कि लेफ्ट से आवाज़ आ रही है या फिर राइट से आ रही है, तो इसको आपको ऑन करना है यहाँ पे। नीचे यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ ब्लूटूथ ऑडियो इनपुट, तो इसको ऑन करना, अगर आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, कोई भी चीज़ ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है, तो उसको लिए आप ब्लूटूथ ऑन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। अब आता है यहाँ पे ऑडियो सोर्स, तो ऑडियो सोर्स में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बोलेगा जो 10+ है आपका, एंड्रॉइड 10+ अगर नीचे है, तो आप यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है कैमकॉर्डर बेस्ड, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर आपका 10+ ऊपर है, तो आपको सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इंटरनल प्लस कैमकॉर्डर वो करना है, ठीक है। अगर आपका एंड्रॉइड 10+ से ऊपर है तो ये चीज हो गया ऑडियो सोर्स की बात है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, और जहां तक मुझे पता सबका एंड्रॉइड 10+ ऊपर ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑडियो की, तो बात हो गया, अब बात करते हैं वीडियो की, ठीक है। दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऑडियो और वीडियो। तो वीडियो सेटिंग में चलते हैं, और वीडियो सेटिंग में चलने के बाद यहाँ पे आपको बोल रहा होगा आउटपुट रेजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको आउटपुट रेजोल्यूशन क्या रखना है, तो यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूंगा 720p रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 1080p अगर रखते हो तो आपका डिवाइस में बहुत ज्यादा ओवरलोड पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप गेम भी खेल रहे हो 1080p में, और आप स्ट्रीम भी 1080p करना चाह रहे हो, तो इससे आपका जो डिवाइस उस पर कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड पड़ेगा, इससे आपका गेम में बहुत लैग करेगा, ठीक है। बहुत लैग मतलब लैग करेगा यहाँ पे, मतलब जब बंदे आएंगे तब लैग करेगा, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। और मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ 720p, क्योंकि इसमें भी फुल HD क्वालिटी दिखती है आपको, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा, और मैंने देखा यह चीज़ की 720p में बहुत बेस्ट यहाँ पे गेम भी चलता है, और आपका जो क्वालिटी वो भी बेस्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप कर लेना।
और यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रेम रेट की यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेम रेट क्या रखना है आपको, आप खेलते हो 60 FPS में तो उससे आप कम रखा करो, जितना में आप खेलते हो उससे थोड़ा कम रखा करो, 60 FPS खेलते हो तो 30 FPS रखा करो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितना है उससे हल्का नीचे, क्योंकि ओवरलोड हो रहा था, समझे क्या, इसीलिए आपको 30 FPS रखना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं मैक्स वीडियो बिट रेट की, तो गाइस ये क्या है, ये जितना हाई रहेगा उतना आपको वीडियो क्वालिटी बेट देगा यहाँ पे, और ये डिपेंड करेगा आपका जो वीडियो रेजोल्यूशन है उस पर डिपेंड करेगा। हम लोगों ने रखा था 720p तो इसीलिए यहाँ पे हाई 3870 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम रखते हैं 1080p तो इससे भी हाई दिखता है, तो सबसे हाई पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और ये डिपेंड करेगा आपको इंटरनेट स्पीड पे, ठीक है। तो आप हाई पे ही कर लेना है यहाँ पे, मैं इतना ही बोलूँगा, ठीक है। आपको ये करने के बाद यहाँ पे स्ट्रीम स्टेटस इंडिकेटर ये तो कुछ नहीं है, इससे आपका जो स्ट्रीम कैसे चल रहा है वो आपको बताएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवेंट लिस्ट की, तो इवेंट लिस्ट में क्या करना है आपको, इवेंट लिस्ट में सिंपली आपको टैप करना और यहाँ पे आपको क्या करना है, शो ऑल इवेंट पे कर देना। ये क्या है, जो बंदा आपका मेंबरशिप ले रहा है तो वो भी आपको दिखेगा, जो बंदा आपको सुपर चैट कर रहा है तो वो भी आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ पे ऑन रखोगे तभी दिखेगा, अगर आप ऑफ कर दे तो यहाँ से तो फिर आपको दिखेगा नहीं वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर, तो जिसको आपको ऑन रखना है ऑन कर, तो जिसको आपको ऑफ रखना है ऑफ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद सिंपली बैक आना, बैक आने बाद यहाँ पे जो गो लाइव दिख रहा हो सिंपल आपको गो लाइव पे क्लिक कर देना, और यहाँ बोलेगा आपको सिलेक्ट प्लेटफॉर्म, तो जिस प्लेटफॉर्म में आपको लाइव स्ट्रीम करना है, जैसे मेरे को यूट्यूब पे करना है तो यूट्यूब पे सिंपली टैप करके आप यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होंगे आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्टिव इवेंट, अपकमिंग इवेंट और यहाँ पे क्रिएट इवेंट बोल रहा होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्रिएट इवेंट पे, क्योंकि आप क्रिएट इवेंट पे करोगे आपका लाइव स्ट्रीम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। वही अगर आप अपकमिंग इवेंट में करना चाहते हो तो बंदों को अगर बोल के रखते हो आपकी मैं 7 बजे लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ और वहाँ पे चला जाते हो पहले से, वो तो क्रोम से करना पड़ता है तो वो थोड़ा लोचा हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्रिएट इवेंट भी सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, और जब भी आप क्रिएट इवेंट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो टाइटल है आपका, टाइटल और डिस्क्रिप्शन वो आपको डालने को बोलेगा, तो यहाँ पर डाल देना अपना जो लाइव स्ट्रीम का टाइटल है आपके यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देना, और आप यहाँ पर थंबनेल आपको ऐड करना पड़ेगा, जो आपका थंबनेल होता है जैसे कस्टम होगा जो लाइव स्ट्रीम करोगे तो यहाँ पर थंबनेल होगा, तो वो थंबनेल आपको कहाँ से ऐड करना, तो सिंपल आपको यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक कर देना पहले, और गो लाइव पे आपको पहले क्लिक कर देना है, उसके बाद अपने जो YouTube स्टूडियो उसको खोल लेना है। YouTube स्टूडियो खोलने के बाद यहाँ पे तो व्यू मोर का ऑप्शन आएगा आपको, ठीक है, वीडियो के नीचे व्यू मोर का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है, और उसके साइड में आपको लाइव का ऑप्शन दिख रहा होगा, लाइव पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक बार रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पे जो आपका लाइव है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से आप क्लिक करके ऊपर में जो पेंसिल बटन दिख रहा है आपको, ऊपर में दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का पेंसिल बटन, तो सिंपली आपको उस पर टैप करना और यहाँ से आपका जो अपना कस्टम थंबनेल है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना जाके, तो और यहाँ से दोस्तों आप टैग भी ला सकते हो, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ से टाइटल वगैरह भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। और गेमिंग के पे सेलेक्ट करना आपका जो कैटेगरी, यहाँ पे गेमिंग सेलेक्ट कर देना और बस यहाँ से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अपना इजीली। तो यही थे कुछ कंप्लीट वीडियो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कहाँ से आपको लाइव स्ट्रीम करना है और कुछ बेसिक सेटिंग्स वगैरह बता दी मैंने आपको, ये बेसिक सेटिंग्स आप कोई भी ऐप में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको iOS में कैसे लाइव स्ट्रीम करना है तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं हो सके तो उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा यहाँ पे। तो वीडियो में देता, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.